भाइयों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्यारे भाई बहन, आप सोचिए जरा कि हम और हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इतनी तकलीफ, इतना कष्ट होता है कि हम लोग बाहर भी आकर जब कभी कभी न्यूज सुनते हैं तो मन करता है न्यूज ही मत सुने। और जब लोग हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की ऐसी करते हैं तो दिल तार तार हो जाता है, कई टुकड़े होते हैं साहब। अभी मैं यहां हूं तो न्यूज चैनलों पर आ रहा है कि गुजरात से यूपी बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है और वो लोग आ रहे हैं, इसीलिए अखंड इंडिया मिशन की बात हम कर रहे हैं, अखंड भारत मिशन की बात हम कर रहे हैं। क्यों हम लोग भारतीयता की बात नहीं करते? क्यों हमारे देश में हमेशा से यही प्रॉब्लम होती है, कभी स्टेट वाइज, कभी जाति वाइज, कभी ऐसे क्यों? हम लोग एक जाति के हैं, हम लोग एक प्रदेश के हैं, ये बात हम लोग क्यों सोचते हैं? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम पूरे भारत के लोग हैं? सभी भारतीयों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है, इस देश की आजादी में हम सबकी उसमें कोई ना कोई सहयोग हमारे पूर्वजों के रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर, ये जो भी लोग हैं, जो भी इस मानसिकता के लोग हैं, कई लोगों ने इस चीज को अपना नाम कमाने का जरिया समझ लिया है कि फलाने को गाली दे दो नाम हो जाएगा, फलाने के लिए अपशब्द बोल दो, उसे मारपीट कर दो, अब सब कुछ भी कर दो, हमारा नाम हो जाएगा। पर एक बात बताओ, अगर आपने ऐसे नाम कमा भी लिया, किसी को गिरा के, किसी को लालचन लगा कर, किसी को मारपीट कर, किसी को देश से प्रदेश से निकाल कर, अगर आपने नाम भी कमा लिया, लेकिन जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आप जानते हो आप उस समय नायक नहीं लिखे जाओगे। क्यों हमारे देश की सरकारें चुप बैठी हुई हैं? क्या कोई भी पार्टी यह कह सकती है कि हमें यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं चाहिए, मत नहीं चाहिए? कोई भी सरकार कह सकती है यूपी बिहार हमारे देश का हिस्सा नहीं है, यहां के लोग भारतीय नहीं है? तकलीफ होती है यहां, हम कभी भी कहीं भी देश में से बाहर जाते हैं, अपने देश के लिए प्रचार करते हैं, रक्षा के लिए हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं, उसमें हम ये नहीं कहते हम यूपी से आए, हम यूपी वाले हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत से आए हैं, शिकागो में भी आए हैं, अमेरिका में आए हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम भारतीय कहते हैं। इससे जिससे हमारे भारत का थोड़ा बहुत भी नाम जाए तो हमारे भारत का जाए, और हम सबको मिलकर वो काम करना होगा जिससे हमारे देश का सम्मान आगे बढ़े, हमारे देश का नाम आगे हो। और प्रदेश देश की सरकारों से भी एक मेरा निवेदन है, प्लीज जाति के नाम पर, स्टेट्स के नाम पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, वही सही नेता है, वही सही माने में शासक है जो सबको साथ में लेके चले, तभी हमारा देश अखंड रह पाएगा। वरना अगर ऐसा माहौल जैसा चल रहा है, आप अगर एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखाने में लगे रहे, कोई भी एक्स वाई जेड, मैं गारंटी से कहता हूं मेरे देश का खंड खंड होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसमें हम लोग सब गुनहगार होंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, भारत की अखंडता को बनाए रखिए, और ऐसे प्रदेश वाइज, जाति वाइज ये लड़ना बंद कीजिए, और सत्य सनातन धर्म को पहचानते हुए अपने देश को अखंड रखने की कसम खाइए, और यही कसम है अपने बच्चों को भी खिलाइए, जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, मान सम्मान को आगे लेके चले। मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज और लोगों में भी इस चीज को शेयर कीजिएगा। राधे।